मान लीजिए आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस का आइडिया है और आप उसे स्टार्टअप करना चाहते हैं स्टार्टअप करने के लिए आपको उस आइडिया में बहुत पैसा निवेश करना होगा और निवेश करने के बाद ही आप उसको बिजनेस मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन एक आइडिया को बिज़नेस मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के बाद फिजिकल बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि, कि किस तरह से अपने स्टार्टअप के लिए फ़ंड रेज़ किया जा सके फ्रेंड्स आपने अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए जैसे तैसे अपने फैमिली से अपने फ्रेंड से अपने रिलेटिव से जैसे तैसे, तैसे पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से आपने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया और एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया आपका बिजनेस शुरू भी हो गया लेकिन पूंजी की समस्या की वजह से आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अब अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको पूंजी की मतलब कैपिटल की बहुत सख्त जरूरत है फ्रेंच बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं बैंक लोन और प्राइवेट फाइनेंस कई बार हम बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन मार्केट में हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती और हमारे पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होती जिसके ब्याह पर हम बैंक से लोन ले सकें इसीलिए हमारी फाइल रिजेक्ट हो जाती है और प्राइवेट फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है जिसका बर्डन हमारी कंपनी हमारा स्टार्टअप अभी सहन करने के लिए तैयार नहीं होता इसीलिए बैंक हमें लोन देता नहीं है और प्राइवेट फाइनेंस से हम डर की वजह से इंटरेस्ट की वजह से लोन लेते नहीं तो आइए समझते हैं कि स्टार्टअप की फंडिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है और वो बेस्ट मेथड है इन्वेस्टर और इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी को ना ही किसी तरह का लोन देते हैं और ना ही किसी तरह से फंड प्रोवाइड करते हैं ये लोग इन्वेस्टर होते हैं जो आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग लेकर आपकी कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट बड़ी कंपनी के सीईओ और बड़े इन्वेस्टर होते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं जो वेंचर कैपिटल से फंड अरेंज कराते हैं और बदले में एक परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं वहीं दूसरी ओर एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी में निवेश करते हैं और साथ ही साथ कंपनी के प्रोजेक्ट में क्या क्या कमियां हैं कंपनी की स्ट्रेटजी को कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए कंपनी में कैपिटल को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की मार्केटिंग और किस तरह का प्रपोजल डिजाइन किया जाना चाहिए इसके बारे में भी आपको गाइडलाइंस देते हैं जो आपके प्रॉफिट और लॉस में भागीदार बनते हैं एंजल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में न केवल निवेश करते हैं बल्कि आपको कंपनी को डेवलप करने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों में भी आपकी मदद करते हैं और ये बातें हैं प्रोडक्शन सेटअप एंड इंप्रूवमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड डेवलपमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डिजाइनिंग सेल्स टारगेट अचीवमेंट प्लान फ्रेंड्स वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर इन दोनों में से किसको चुना जाए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एट प्रेजेंट आपकी कंपनी की वैल्यू एक करोड़ रुपए है और अगले दस साल बाद इस कंपनी की वैल्यू लगभग दस करोड़ हो जाएगी तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट को बताते हैं कि मेरे दस साल का प्लान है कि मेरी कंपनी की वैल्यू दस करोड़ रुपए हो जाएगी और उसको दस करोड़ के टारगेट तक पहुंचाने के लिए मुझे वर्तमान में पूंजी की जरूरत है इसलिए यदि आप मेरी कंपनी का 20 परसेंट शेयर लेते हैं तो आज से 10 साल बाद मेरी कंपनी की जो वैल्यू होगी वो 10 करोड़ रुपए होगी उसका 20 परसेंट वैल्यू मतलब 2 करोड़ रुपये आपको ट्वेंटी परसेंट शेयर खरीदने के लिए मुझे अभी देना होगा और उस पैसे का निवेश करके मैं अपनी कंपनी को रेगुलर ग्रो करूंगा अभी समझते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर में से कौन सा आपकी कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा वेंचर कैपिटलिस्ट जब कंपनी में निवेश करेगा तो वो हर साल आपसे 20% परसेंट प्रॉफिट अपने शेयर होल्डिंग के हिसाब से रेगुलर लेना शुरू करेगा जबकि एंजल इन्वेस्टर उतना ही पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसको री इन्वेस्ट करने की ऑप्शन देगा तो इससे आपकी कंपनी की ग्रोथ कई गुना बढ़ती जाएगी अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति को शेयर होल्डिंग देकर आप काम करना चाहते हैं या एंजल इन्वेस्टर से अपनी कंपनी में फंड इंट्रोड्यूस करा के आप अपने बिजनेस को उसकी सपोर्ट उसकी सर्विसेज और उसकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं या शेयर होल्डिंग देकर एक फिक्स परसेंटेज देकर अपने आप को सेफेस्ट साइड पर रखना चाहते हैं फ्रेंड्स निश्चित समय अवधि के बाद जब आपकी कंपनी की वैल्यू दस करोड़ रुपए हो जाएगी तो आप अपने इन्वेस्टर से कहेंगे कि अब मेरा प्लान 100 करोड़ रुपए का करने का है और 100 करोड़ रुपए के लिए मैं दोबारा से अपना 20 परसेंट शेयर बेचना चाहता हूं तो उस समय आप अपनी कंपनी में 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल से या एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से ले सकते हैं और ये एक्सपेंशन आपकी कंपनी का थर्ड मोड ऑफ एक्सपेंशन होगा और उसके बाद आप लगातार अपने बिजनेस को इसी तरह से डेवलप कर सकते हैं फ्रेंड्स यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है अगर आपको ऐसा लगता है कि यदि मैं हर स्टेज पर अपने नंबर ऑफ शेयर्स या परसेंटेज ऑफ शेयर अपने इन्वेस्टर्स को दूंगा तो मेरा कंपनी पर होल्ड बहुत कम हो जाएगा और मेरे शेयर बहुत कम हो जाएंगे लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास 100 परसेंट शेयर हैं भी और उसकी वैल्यू दस रुपये भी है तो भी आपकी कंपनी की वैल्यू आपके आंकलन से केवल उतनी है जो पेपर पर आपको शो करती है फॉर एग्जांपल यदि आपके पास एक लाख शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू दस रुपये है तो आपकी कंपनी की वैल्यू लगभग दस लाख रुपये है लेकिन जब आप अपने इन्वेस्टर के पैसे से अपनी कंपनी को ग्रो करना शुरू करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट आपके शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है मान लीजिए आपके पास केवल 20% परसेंट शेयर रह जाते हैं लेकिन उस ग्रोथ की संभावना से उस बड़ी इन्वेस्टमेंट से उस इन्वेस्टर्स के आने से जो आपकी कंपनी में डेवलपमेंट हुआ कंपनी का सेल प्रमोशन हुआ कंपनी का ब्रांड प्रमोशन हुआ कंपनी का एक्सपेंशन हुआ उससे आपके शेयर की वैल्यू दो हजार रुपए पहुंच गई इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि अपनी कंपनी में कितना परसेंट शेयर आप होल्ड करते हैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम शेयर होल्डिंग के बावजूद भी आपके कंपनी के पर शेयर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट को यह पता होता है कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी भी कम हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी आपको वह कंपनी से बाहर नहीं करते बिकॉज इट्स योर बेबी ये आपका बेबी है आपको पता है इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है इसीलिए वो आपको शेयर होल्डिंग के अलावा एक पोस्ट प्रोवाइड करते हैं दैट इज सीईओ ऑफ द कंपनी और एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करें ग्रो करें और अपनी शेयर होल्डिंग की वैल्यू को बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन तक लेकर जाएं क्योंकि जैसे जैसे आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का पैसा भी बढ़ता जाएगा और इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के फाउंडर सीईओ के साथ काम करने में खुश होते हैं फ्रेंड्स किसी भी कंपनी की स्टार्टअप फंडिंग के लिए वैल्यूएशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है केवल वैल्यूएशन के माध्यम से ही एक इन्वेस्टर यह बात समझ पाता है कि आपकी कंपनी को कितने कैपिटल और कितने फंड की जरूरत है और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टअप फंडिंग की कंपनी की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और किस तरह से एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन को काउंट करके आपको फंड प्रोवाइड करता है इसके अलावा अगर आप अपनी शेयर होल्डिंग इन्वेस्टर को नहीं देना चाहते और कंपनी में अपना होल्ड बहुत अधिक मजबूत रखना चाहते हैं तो अपनी कंपनी के कम से कम 26 परसेंट शेयर अपने पास अवश्य रखें और फंड रेज करने के लिए आईपीओ का इस्तेमाल करें इनिशियल पब्लिक ऑफर फ्रेंड्स मैं एक मिशन चला रहा हूं मिशन 2021 भारत बनेगा विश्व गुरु इसके लिए मैं भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार कर दूंगा ताकि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनके पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके अगर आप मेरी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मिशन और अपना नाम व्हाट्सएप करें जय हिंद जय भारत मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसा की आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर स्वागत करते हैं उन लोगों का जो समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं और यूथ में से आज हमारे साथ में है भावेश राठी जी जो तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में सीनियर एडवोकेट हैं तो भावेश जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेटास क्लब के इस चैनल पर भावेश सर हम लोगों की एक प्रथा है कि हम हमारे चैनल पर जिस गेस्ट को इनवाइट करते हैं उनका एक मोमेंटो के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर करते हैं जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि एक दिन हम लोग मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल पर आए थे भावी सर, मेटास क्लब की यूट्यूब चैनल की तरफ से गेस्ट ऑफ ऑनर आपके लिए